एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ एक्सेल की एक जबरदस्त बहुत काम आने वाली एक ट्रिक। कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरनेट से या कहीं ऐसी जगह से जहाँ प्रॉपर डाटा कॉपी नहीं होता है, वहाँ से जब डाटा एक्सेल में कॉपी करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाता है, जैसे कि प्लस का मार के और कुछ वैल्यू लिखी हुई है, फिर प्लस का मार के और उसके बाद कुछ वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर तो मैं प्लस लिख रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा है, लेकिन हम कुछ और लगा लेते हैं, जैसे कि एट द रेट। ठीक है, एक मिनट, हम कुछ हम लगा लेते हैं जैसे कि एंड एंड। ठीक है, ये है हमारे पास एक डाटा। इस डाटा में क्या हो रहा है कि सभी नंबर्स के आके कुछ कॉपी होके साथ में आ गया। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग इंटरनेट से कॉपी करते हैं कोई हिसाब या कोई डाटा तो प्लस या माइनस उसके साथ जुड़ के आ जाता है, तो उसको कैसे हम रिमूव करें वो ट्रिक है। तो जैसे कि इसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट है एंड, इसको या सिंबल है, जो भी सिंबल है, फर्स्ट सिंबल है, इसको मुझे हटाना है पूरे कॉलम में से, हर किसी रॉ में से, हर किसी नंबर से। तो मेरे को यहाँ क्या लिखना होगा, इक्वल टू, क्योंकि जो चीज़ हटानी है वो राइट में है, अगर राइट से हटानी है तो राइट लिखना है, लेफ्ट से हटानी तो लेफ्ट, तो राइट राइट ब्रैकेट फर्स्ट सेल को, जिस सेल में वो नंबर, इसको सिलेक्ट करो कॉमा, उसके बाद लिखो एल ई एन ब्रैकेट, फिर उसी सेल को सिलेक्ट करो ब्रैकेट क्लोज माइनस, कितने कैरेक्टर रिमूव करने हैं हमें, वन कैरेक्टर रिमूव करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए 12, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके डबल क्लिक किया, सभी में से हट गया। अगर मैं डालता माइनस टू तो दो हट जाते, थ्री डालता तो थ्री हट जाते, और लेफ्ट की राइट की जगह पर लेफ्ट डालता तो वो लेफ्ट से काउंट करता। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।